दोस्तों हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, दोस्तों सरकार ने नए साल पर 10 लाख जो जवान हैं उनको बड़ा तोहफा दे दिया है न्यू ईयर पर, और उनकी जो सैलरी थी दोस्तों उनको दुगना करके। सेना के प्रमुख जनरल जो बिपिन रावत ने भी इसके लिए सहमति दे दी गई है, और दोस्तों जो सतमा पे कमीशन की सिफारिश में जो विसंगतियाँ थी उनको दूर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जो नए साल पर 10 लाख जवानों को विशेष भत्ता देकर उनकी जो सैलरी थी वो 5200 रुपये के से बढ़कर 10400 रुपये उनको सैलरी मिलेगी। सेना के करीब 10 लाख जवानों को नए साल का तोहफा देने की तैयारी कर रही है सरकार। युद्ध के मोर्चे पर डटे इन जवानों को मिलिट्री सर्विस पे को दोगुना कर दिया गया है, यानी कि MSP को दोस्तों अब दोगुना कर दिया गया सरकार ने। सेना प्रमुख जनरल जो बिपिन रावत ने इस पर जो सैद्धांतिक सहमति है वो दे दी गई है, और साथ ही साथ जो वित्त मंत्रालय में कुछ औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरी होने के बाद अगले महीने ये घोषणा होने की संभावना है। फिलहाल तो सेना में सिपाही से लेकर JCO रैंक है दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे के रूप में प्रति माह उन्हें 5200 रुपये की राशि मिलती थी, लेकिन अब यह सातवां वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप जो उनकी राशि है दोस्तों 5200 रुपये से बढ़कर 10400 रुपये प्रति माह कर दी गई, यानी कि उनकी राशि को दोगुना कर दिया गया है। और जो इसकी सहमति है सेना से जुड़े उच्च पदस्थल सूत्रों से कहा गया कि सातवां वेतन आयोग की सिफारिश से विसंगतियां दूर करने के लिए बनी समिति में JCO रैंक तक की जो MSP में दोगुनी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। ये सेना के प्रमुख की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है। अब वित्त संबंधी जो औपचारिकताएं होनी बाकी है। अब सूत्रों के अनुसार ये कहा गया है कि MSP ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों को ही मिलेगी, उनके लिए यह राशि अभी 15500 रुपये प्रति माह मिल रही है, जबकि मिलिट्री नर्सिंग सेवा को 10800 रुपये प्रति माह MSP के रूप में मिलते हैं। दोस्तों इन श्रेणी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, ये पहले की तरह ज्यों की त्यों है, क्योंकि ये जो MSP है 2006 से शुरू हुई थी। छठा वेतन आयोग के अनुसार सैनिकों के कठिन परिस्थितियों में काम करने और उनके जीवन पर खतरे को मद्देनजर रखते हुए MSP शुरू करने की सिफारिश की गई थी, जिसे 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था, लेकिन तब यह राशि सिर्फ 2000 रुपये प्रति माह हुआ करती थी। बाद में सातवां वेतन आयोग ने इसके जारी रखते हुए इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन युद्ध के मोर्चों पर जो सैनिक सबसे आगे रहते हैं उन्हें कम राशि दी जाती थी, लेकिन माना जा रहा है ये इससे सैनिकों का उत्साह है बढ़ेगा, और दूसरे सैनिकों को जो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि MSP की राशि है मूल वेतन के साथ जुटकर पेंशन निर्धारण में अहम होती है। दोस्तों ये सरकार की ओर से नए साल पर सैनिकों के लिए गिफ्ट है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।